हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण के बारे में, जिनसे जुड़ा एक सलमान खान का स्टेटमेंट हो रहा है बेहद तेजी से वायरल। उस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपको भी हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वाकई में दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी को लेकर मजाक मजाक में सलमान ने काफी बड़ी बात कह दी थी। उसी मजाक मजाक में सलमान खान की तरफ से कही गई बातों का जिक्र हम यहाँ करना जरूर चाहेंगे। क्या कह दिया था ऐसा सलमान खान ने, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। सलमान खान ने दरअसल कुछ ऐसा कहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। शो में सलमान खान के शो बिग बॉस में जब पहुंची थी दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, तो वहां पर सलमान ने दीपिका पादुकोण से कहा कि फैंस इंतजार कर रहे हैं ये जानने का कि आप प्रेग्नेंट कब होंगी। फिर क्या, दीपिका ने इसका जवाब देते हुए सलमान से कहा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मैरिज के लिए जवाब देने वाले हैं। और इसी के लिए सलमान खान से दीपिका ये भी कहती है कि 9 महीने बाद पता चल जाएगा सबको कि वो प्रेग्नेंट थी और वो मां बन गई हैं। इससे पहले वो नहीं बताएंगी किसी को, और सलमान खान की इजाजत होगी तो अपनी फैमिली प्लानिंग जरूर करना चाहेंगी सलमान खान की इजाजत। यानी कि सलमान खान है वो शख्स जो कि दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी के लिए उन्हें सलाह देने वाले हैं कि अब फैमिली प्लानिंग कर ले। रणवीर सिंह से शादी के बाद दीपिका की बॉन्डिंग और सारे स्टार्स के साथ और गहरी देखने को मिली है। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है मस्ती करने में, और दीपिका सलमान के साथ ऐसे नोक झोंक और मस्ती भरे अंदाज दिखाती ही रहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।